हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका नया एजुकेटर और मैं आपके NTPC एग्ज़ाम के लिए आज भौतिक विज्ञान के मोस्ट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो परीक्षा के दृष्टि बहुत ही बढ़ने आते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो फर्स्ट है लाइट ईयर्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकंड केल्विन और डी जूल। देखिए, ये रेलवे NTPC परीक्षा में 16 अप्रैल 2016 को थर्ड पाली में आए हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट किसकी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? जी हाँ, वेक्टर राशि का मतलब होता है सदिश राशि। सदिश राशि को ही हम वेक्टर राशि कहते हैं। और कह रहा है इसका उदाहरण क्या है? जी हाँ, इसका उदाहरण है सी, यानी कि वेग। वेग को ही हम वेक्टर राशि कहते हैं। और वेक्टर राशि सदिश राशि में क्या क्या होते हैं? सदिश राशि में वेग होता है, त्वरण होता है और बल और संवेग, ये सब जो है सदिश राशि के उदाहरण हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सी एक वेक्टर मात्रा है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो इसका भी आंसर होगा डी, यानी कि बेग। बेग अभी आप बताएं कि वेक्टर मात्रा मतलब सदिश राशि, तो बेग एक सदिश राशि है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है, प्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है सी, यानी कि बेग कहा जाता है। प्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बेग कहा जाता है। बेग बराबर होता है दी हुई दिशा में चली गई दूरी बटे लिया गया समय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, मास प्रति यूनिट मतलब द्रव्यमान प्रति इकाई वैल्यूम क्या है? तो ये जो होता है सी होता है, यानी कि घनत्व। घनत्व की इकाई होती है, घनत्व का जो मात्रक होता है यही होता है मास, मतलब किलोग्राम प्रति यूनिट इकाई वैल्यूम, मीटर क्यूब। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, दबाव को से नापा जाता है। दबाव जैसा कि जानते हैं P बराबर F/A होता है, मतलब कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा? सी, यानी कि इसका आंसर बल एवं क्षेत्रफल होगा। इसे सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दबाव की SI इकाई है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है आठवां, इनमें से विषम को चुने। जैसा कि संवेग, विस्थापन और वेग, ये तीनों जो हैं सदिश राशियां हैं और ये गति जो है ये एक अदिश राशि है, इसलिए ये विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। समूह मतलब कि जैसा कि जानते हैं गति और समय में अंतर क्या है। गति जो होता है समय का मात्रक, चाहे हम CGS पद्धति में देखें और चाहे CFS पद्धति में FPS पद्धति होती है इसमें देखें, और चाहे हम SIMKS पद्धति में देखें, MKS देखें, तो इन तीनों में MKS कौन कौन होते हैं? MKS पद्धति और तुम्हारे CGS और होता है एक FPS। चाहे तीनों में देखें तो इसमें समय का मात्रक सेकंड ही होता है, और ये जो है इसमें जो होता है गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड इसमें भी होता है। तो कह रहा है कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये हमारा आंसर सही है बी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या होता है? तो पानी घनत्व होता है 1000 किलो प्रति घन मीटर। पानी घनत्व होता है 1000 किलो प्रति घन मीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पहला है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए रूप में कंटेनरों को बैलन के संदर्भ के व्यक्त करने के लिए। तो इसका होगा सी, यानी कि आयतन की माप के रूप में गैलन का प्रयोग आयतन की माप के रूप में किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। तो ये होगा
ए जड़ता, यानी जड़ता के कारण हटता नहीं है। आते हैं अगला 13, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होता है। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होता है, भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, बढ़ या घट सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि बढ़ या घट सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 है, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्योंकि क्योंकि वह संपर्क के समय को कम करता है जिससे संपर्क के बल में वृद्धि हो जाती है, वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है इससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है, वह गेंद लपकने से डरता है और इसलिए अपने हाथ पर पीछे खींच लेता है, वह संपर्क के रूप में कम कर समय को कम करता है इससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। तो इसका आंसर होगा वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है इससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। आते हैं 15 क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल होता है जो हमें जो है बाहर की तरफ धक्का देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है। 16, 16 है, कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग लगातार बदल रहा है, कार का त्वरण लगातार बदल रहा है, कार का वेग शून्य है। तो इसका आंसर होगा कार का वेग लगातार बदल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 17, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो ये निस्तारण है कि आंशिक आसवन है, अपकेंद्रीकरण है, क्रिस्टलीकरण है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा अपकेंद्रीकरण, यानी कि इसका आंसर नंबर सी सही है। अगला है 18, रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो ये जो है दिया है ऑप्शन अपकेंद्री बल कार्य करता है, अपकेंद्री बल कार्य करता है, गुरुत्वीय बल कार्य करता है, अवलंब बल, कौन सा बल कार्य करता है। जी हाँ, इसमें जो है हमारा अब भी केंद्रीय बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 19, बल की एसआई यूनिट क्या है। बल की एसआई यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट है यूनिट, और एक यूनिट इसकी और होती है, क्या होती है, डाइन। बल की एसआई यूनिट डाइन है, और एक बल की एसआई यूनिट जो है न्यूटन है, और एक डाइन होती है। आते हैं अगले पे, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव क्या कहते हैं। ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं, तो ये है बायंट फोर्स नियम। बायंट फोर्स नियम को ही हम जो है द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर या ऊर्ध्वगामी बल लगता है उसे ही हम उत्प्लावक बल या फिर बायंट फोर्स कहते हैं, इसी को हम हिंदी में कहते हैं उत्प्लावक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है। फर्श पर धकेला या वॉशिंग मशीन, बर्फ से स्लेज का फिसलना, व्यक्ति द्वारा स्लाइड से नीचे की ओर फिसलना, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। तो इसका होगा डी, यानी कि व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है, जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है, अकुंडलीज का सिद्धांत, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो ये है हमारा अकुंडलीज का सिद्धांत, अकुंडलीज का सिद्धांत होता है यही जो है जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है। जी देखिए NTPC एग्जाम में आए थे। 23rd क्वेश्चन है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग एवं त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड² होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होगा बी, यानी कि वेग शून्य होता है तथा त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड² होता है। 24 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम में से एक नहीं है। एक नहीं है यानी कि एक ग्रह का ग्रह पथ दो केंद्रों बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। एक ग्रह कक्षीय अवधि वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन में आनुपातिक होती है। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। 24 यानी कि इसका आंसर जो होगा हमारा ये बता रहा है कि जो है कक्षीय अवधि ग्रह के अनुसार द्रव्यमान पर निर्भर करती है, निर्भर होती है। 26 कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इनमें से कौन सी वस्तु
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ये होगा ग्रह, यानी कि ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार, बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।